जी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक अदद गाजर ले ली थी कद्दूकश की, 1 कप गाजर, 1 कप सैलेड लीव, 1 अदद खीरा चॉप किया हुआ, बीज हमने निकाल दिए थे, 1 कप ही हम डालेंगे बंद गोभी, हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, सफ़ेद मिर्च 1/2 टीस्पून, ताज़ी कुटी काली मिर्च 1/2 टीस्पून। तो जी काली मिर्च को उसी वक्त आप कूट लें, उसका ज़्यादा फ्लेवर आता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। ये होममेड मेयोनीज जो हमने आपके सामने बनाया था ये जाएगा। 1 कप जाएगा, थोड़ा सा और डालेंगे, मिक्स करेंगे। इसे एक साइड पे करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे जी चिकन, श्रेड किया हुआ चिकन का ब्रेस्ट था, उसे बॉयल किया, उसे हमने श्रेड किया। अब हम इसमें डालेंगे मेयोनीज 1 कप, काली मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून, नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, पेपरिका डालेंगे 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, चिली सॉस डालेंगे 2 टेबलस्पून, इसे हम एक साइड पे करेंगे और हम अपना अगला स्टेप करेंगे। तो जी ये हमारा तीसरा स्टेप है, पहला हमारा वेजिटेबल्स वाला था, दूसरा हमारा चिकन वाला था, ये हम अंडों वाला है। तो जी अंडों को चॉप करेंगे। मैं तो नहीं आ रही, इसमें भी जी हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, सफ़ेद मिर्च 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे 2 टेबलस्पून, मिक्स करेंगे, मेयोनीज डालेंगे 3 टेबलस्पून, वन कप क्रीम डालेंगे, 1 कप डालेंगे क्रीम चीज, 1/4 टेबलस्पून भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम अपना अगला स्टेप करेंगे। यहाँ पे हम ब्रेड ले लेंगे, स्टेप नंबर 1 करेंगे। ये हमारी दूसरी फिलिंग हो गई, अब हम तीसरी फिलिंग करेंगे। क्रीम और क्रीम चीज़ डालेंगे जो हमने मेयोनीज के साथ मिक्स किया था। पैरेट नाइफ के साथ इसे सेट करेंगे। साइडों पे कटे हुए सलाद के पत्ते लगा देंगे।
तो जी आज का ये मज़ेदार सा चिकन केक आपको पसंद आए तो आज की वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे जी एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। तो चलें अब एक दिखाते हैं आपको काट के।